ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో కింగ్ మేకర్ గా నితీష్ కుమార్ ఉన్నప్పటికీ బిహార్ కు స్పెషల్ స్టేటస్ రాకపోవడం దారుణమన్నారు ఇండిపెండెంట్ ఎంపీ పప్పు యాదవ్. రాష్ట్రానికి ఒక్క సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఇవ్వలేదన్నారు. కేంద్ర కేబినెట్ నుంచి జేడీయూ వైదొలగాలన్నారు పప్పు యాదవ్. గత పదేళ్లలో 4 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తే బిహార్ లో వలసలు ఎందుకు తగ్గలేదని ప్రశ్నించారు. ये देंगे तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए. 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं. आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया. अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी कोसी सीमांचल के बाहर के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए. ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए. मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है. तो आप तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और ये जीतन राम मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है. 2.25 करोड़ आदमी पलायन करके मजदूरी करता है, 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बाहर खर्चा देता है, तो बिहार इंडेक्स में दुनिया का सबसे न. अब कब? अब गुजरात को और दीजिएगा, किसको दीजिएगा, कहाँ दीजिएगा? आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए तो बहुत क्लियर है. विशेष पैकेज, विशेष राज के लिए भीख मत मांगिए. आप मंत्रिमंडल से हट जाइए. आप एक एक्सप्रेस वे और जगह आप क्या दे रहे हैं? आप एक तो वैशाली, एक तो आप यहाँ दे रहे हैं. तो भैया आप विशेष राज की बात करिए ना, और आप विशेष पैकेज की बात करिए ना. एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, और एक भी कुछ नहीं. तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए.